अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हो पेंसिल टाइम व्लॉग्स। तो आज हम लोग फिर दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और काफ़ी दिनों पहले मैं एक रील देख रहा था जिसके अंदर मैंने एक कार देखी और भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी कार है, बट तो क्रश आ गया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च की। फिर मुझे पता चला जो एक कार है वो पोर्चे पैनामेरा है और फिर मैंने सोचा यार रियल लाइफ में तो हम लोग जो उसे ऑर्डर नहीं कर सकते और हम लोग उसे जो है GTA 5 में ट्राई करेंगे। और कुछ ही दिनों पहले जो है तुम्हारे भाई ने डिलीवरी का जो ऑर्डर दे दिया था और रात ही को पहुंची भाई साहब, बट सीन ऐसा है कि ब्लैक की कार है ये समझो। और जो है मैंने ऑर्डर जैसे किया था वो माफिया है काफी बड़ा, वो इसी तरह कार्स की जो है स्मगलिंग करता है और उनसे जो है ना भाई साहब जो है डिलीवरी करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है, ब्लैक की कार को घर लाना डिलीवरी करके। और मुश्किल इस वजह से ब्लैक की कार होती है, अगर पुलिस के चक्कर में पड़ गए ना तो भाई साहब कार से हाथ धो बैठना पड़ेगा। और हमें जो है लोकेशन भेज दी हुई है, जल्दी से अपना जो है ड्रेसिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, पहले काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक है यार, बट ये ब्लैक ब्लैक ये वाला अच्छा लग रहा है भाई, चलते हैं भाई। पहले बहुत ज़्यादा जो है वेट करवा दिया हम लोगों ने माफिया को, ये नो कि भाई साहब उनसे जो है ना हालात ख़राब हो जाए हमारे। और भाई साहब जो थे तुम लोग मेरे जो है ना, अगर तुम लोगों ने अभी तक गौर नहीं किया मेरे बाल जो है इनके ऊपर फोकस नहीं करना, तुम लोगों का ज़रा भी इसके ऊपर माइंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं अपने बाल सेट करा था नहीं हुए, फिर मैंने बोला भाई साहब नहीं करना है, बट चलेगा। अगर हम लोगों ने जो है कार डिलीवरी करनी है तो फिर हमें कार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जल्दी से जो है कैब बुक कर देते हैं और वहाँ पे जो है कैब से जाएंगे डाउनटाउन कैब। जल्दी से कॉल, अबे आ जा जल्दी कर यार। ओके तो हमारी जो है कैब आने वाली है और हमारी जो है लोकेशन माफिया ने जो हमें बताई थी ये कुछ लोकेशन देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे तुम लोगों के कार का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारी जो है कार डिलीवरी हो चुकी है, वैसा फर्स्ट टाइम जो है मैं उसे ट्राई करने वाला हूँ और हम लोग वहाँ तक जो है कैब पर जाएंगे, कुछ जो है चालाकी नहीं करनी हम लोगों ने। तो भाई साहब जो है हमारी कैब आ चुकी है, अभी जल्दी से चलते हैं अपने वे पॉइंट के ऊपर और पहले काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है हम लोगों को, चलो वे पॉइंट पे ले चलो हम लोगों को। यस वे पॉइंट पे। Grand Sonora Desert. Sure thing, man. Come on, buddy, let's go. I guess you're in a hurry. जल्दी चलो बे जल्दी चलो। तो भाई साहब हमें जो है लेके जा रहे हैं वे पॉइंट पर। नहीं समझ। यस फाइनली फाइनली ये हम लोगों को जो है लोकेशन पर इसने पहुंचा दिया है और मैंने जो है रास्ता स्किप कर दिया था, मैंने सोचा मुझे कहीं और लेके जा रहा है, यहाँ से मुझे जो है आगे पैदल जाना होगा। जल्दी से चलो भाई जल्दी से हमारी कार कहीं इस तरफ खड़ी हुई है। और भाई साहब यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर है, वो भाई सामने से जा रहा है ये। आई थिंक मुझे लगता है मुझे इसका शिकार कर देना चाहिए। यस ओ भाई साहब हमारी कार काफ़ी दूर है कहीं। भाई साहब इस गाड़ी ने ना बहुत ज़्यादा खवार कर दिया, फिर दोबारा तो मैं गलत नहीं जा रहा, इस बार मैं ठीक जा रहा हूँ भाई, इस बार मैं मस्त तरीके से बिल्कुल ठीक ठीक जा रहा हूँ, बट मैं सीधे रास्ते से नहीं जा रहा, मसला है इस कार के लिए ना। ज़िंदगी में हम लोग इतना पैदल नहीं चले जितने इस कार के लिए चले। भाई साहब यहाँ पे इंडस्ट्री है यार, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कार खड़ी नज़र आ रही है मुझे जी, थोड़ा दूर है बट। अबे ये क्या यार, ये क्या सीन बे, इसके अंदर तो घुसा हुआ है। अबे यार आज ये कुछ होना था, आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे बट आज ही दिख रहा है ऐसी ऐसी फजूल हरकत, लगता है उन लोग। ओ भाई साहब हमारी वो जो कार फाइनली जो है मुझे सामने नजर आ रही है भाई, वो सामने खड़ी हुई है, बट मुझे अब समझ नहीं आ रही इस जगह पे कार रखने का मकसद क्या है भाई मेरा फर्स्ट। भाई साहब यहाँ पे एक बंदा है, आई थिंक इन लोगों की कुछ ना कुछ चाल है भाई, देखा इन लोगों को इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ बंदा आएगा और इनकी कस्टडी में रखी हुई है इनके करीब करीब कार, आई थिंक ऐसा ही कुछ लगता है मुझे। और यहाँ पे जो है कीज वगैरह मुझे जो है डिलीवर हो चुकी थी, सबसे पहले मैं अपनी कार की जो है क्या बोलते हैं यार बॉडी वगैरह चेक कर लेता हूँ कि डैमेज वगैरह तो नहीं है। बाकी भाई साहब देखने में काफ़ी मस्त लग रही है मेरी ड्रीम कार भाई, बहुत मस्त लग रही है देखने में। अभी सबसे पहले हम लोग जो है चलते हैं इसे लेकर कार
कार जो मैंने अनलॉक कर दी, और अब जल्दी से चलते हैं हम लोग जो है इसकी मॉडिफिकेशन के लिए, और उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट वगैरह लगाएंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, शक्ल मेला लगाएंगे। सबसे पहले जो है बेसिक काम हमारा है इसकी मॉडिफिकेशन है भाई साहब, आवाज चेक करो। ओए होए 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 होए, एग्जॉस्ट चेक करो। अभी तो मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद और बहुत ज्यादा मस्त हो जाएगी हम लोगों की कार भाई साहब, ड्रिफ्ट के लिए बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छी चीज़ जो है हम लोगों ने जो है चूज की है भाई साहब। अभी जल्दी से चलते हैं, मेरे से जो है ना इंतज़ार नहीं हो रहा। यहाँ करीब पे एक जो है मॉडिफिकेशन वाली शॉप है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। और रास्ता कहाँ गया भाई? ओबे यार, आराम से आराम से आराम से आराम से सुकून से जाना होगा हम लोगों को। वो भाई साहब बहुत ख़तरनाक जगह पर रखी है, इसकी बॉडी हमारी जो है ना पहुँचते पहुँचते हिल जाएगी भाई, बड़ा गर्क हो जाएगा हमारी कार का। आराम से जाना है, टूटनी नहीं चाहिए कार भाई। ऐसा पुलिस वालों से भी बच के जाना है भाई, अगर सिक्योरिटी को पता चल गया ना कि हम लोग जो है ब्लैक की कार लेके जा रहे हैं, सबसे पहले हमें इसका नंबर प्लेट वगैरह बाकी चीज़ें चेंज करनी होंगी, ताकि भाई साहब जो है ना किसी की नज़र में आने से पहले हम लोगों की जो है ना कार मस्त जो है ना तैयार हो जाए। और यहाँ पे कहीं पे मुझे नज़र आ रहा भाई, कहाँ है कार गिराज? ओह यस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भाई। खोल दो यार, लॉस सेंटस कस्टम्स इज क्लोज, प्लीज कम बैक लेटर। भाई आज ही से क्लोज होना था यार। भाई साहब हमें जो है आप किसी और के पास जाना होगा, ये वाली जो है शॉप क्लोज है। और यार मुझे इस इलाके के अंदर जो है ना बड़े बड़े मोस्टर ट्रक देख के दिल कर रहा है कि नेक्स्ट हम जो एक कार अपनी जो है ना डिलीवर करने वाले भाई, बाय करने वाले हैं, वो होने वाला है कोई मोन्स्टर ट्रक। दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे अभी सारे के सारे जो है आई थिंक काफ़ी दूर जा रहा है यार, हमें जो है इस वाले के पास जाना होगा, थोड़ा दूर है बट कोशिश करके जल्दी से पहुँचते हैं इसके पास रिपेयर शॉपर। और इतनी देर में हम लोग जो है मस्त ड्राइविंग भी कर देंगे, बट मुझे डर इस बात का है ना रास्ते में अगर सिक्योरिटी वालों से जो है ना पाला पड़ गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो हमारी कार है ना दिखने में तो मस्त लग रही है, इसकी आए खाए है स्मूथनेस चेक करो, हैंडलिंग चेक करो, बाकी सब चीज़ें मस्त हैं भाई GT की। बट इसका पूरा नाम क्या है? पोर्चे GT है, ग्रैंड GT है, इसके बैक पे तो लिखा हुआ है आई थिंक ग्रैंड GT। तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो तुम लोगों को इसका परफेक्ट नाम पता है। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका परफेक्ट नाम तुम लोगों के लिए लेके आ सकूं, बट पिछली इसी की एपिसोड 3 में बना चुका हूँ, मतलब 3 बार इस एपिसोड को बना चुका हूँ। कभी क्या मसला हो जाता है, कभी रिकॉर्डिंग में मसला हो जाता है, कभी क्या मसले मसले मसले, और फाइनली मैंने बोला भाई हिम्मत नहीं हारनी, GT की जो है ना एपिसोड अपलोड करनी लाजमी है भाई, इतनी मस्त कार है तो मैं इसे जो है इग्नोर नहीं कर सकता था। और काफ़ी आराम से जाना होगा मुझे, बट यार कुछ इतने अरसे बाद जब बंदा खेलता है ना तो बंदे की जो है ना बिल्कुल ग्रिप जो है ख़त्म हो जाती है। और तुम्हारा भाई जो है इसे बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएगा, तुम बेफिक्र। हौसला हौसला भाई हौसला, इतना इतना ज्यादा नहीं स्पीड लगानी। ये चेक करो तुम लोग, ओए होए 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 होए, आगे से हट जाओ भाई, आगे से हट जाओ। ओ भाई साहब गालियां दे रहा है ये तो, अभी अभी किसी के साथ छेड़ना नहीं है, फिर कभी इनसे बदला लेंगे। ये जो लोग गालियां देते ना, साइड पे हो जाओ। साइड पे हो जाओ भाई, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे। आगे से रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो भाई। ओ भाई साहब अभी जो है हमारी बहुत सख्त टक्कर लगने वाली थी, कैमरा चेंज हो गया था। जल्दी से चलते हैं आज मस्त जो है ना, मेरे माइंड में आ रहा है यार येलो कलर या वाइट कलर में से कुछ करते हैं, या ऑरेंज,
ये तीन कलर मुझे आजकल जो है ना काफी ज्यादा मस्त लग रहे। ओ भाई साहब, फिर दोबारा से यार, फिर दोबारा से ठुकते ठुकते बच गया तुम्हारे भाई का जो है ना सीन। आगे से हट जाओ भाई, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। आय हाय हाय, क्या चीज है यार ये कार। ड्राइविंग में मजा है यार इसकी, तो इतनी स्मूथ है ना, मत जमीन के साथ ये लेरे मारती जा रही हो ये कार, ये फुल लेरे मार रही है ये। ओए हो, दोनों, आए हाय, ये चेक करो तुम लोग। ओए होए होए होए, ये वाला व्यू अच्छा आया था जो अभी आया था यार। तो रास्ते में मुझे ना बार बार कुछ ना बकचोदी याद आ जाती है यार। योर शिट, सब्र कर तू। बहन चोद, हटाओ गाड़ी यार, कहाँ, मैं भी पागल हूँ, हाईवे में आके गाड़ी लगा दी मैंने। असल गलती मेरी है यार, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती है, मैंने जो हाईवे में गाड़ी लगाई और मेरी पूरी की पूरी ब्रेक ब्रेक इसकी टूट गई यार। सच्ची में दिल को लग रही है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है मेरे। ओहो, क्या करूं। कमीना, चलो भाई, बहुत ज्यादा बकचोदी हो चुकी। भाई साहब, सारी की सारी भेड़ हो जा दी मेरी कार की पीछे से आके भाई। नहीं तो आज मैंने मारना था पक्का, अगर मेरी गलती ना होती तो मैंने उसकी गांड मार देनी थी पक्का है, सीरियस नहीं छोड़ता। एक डर मुझे ये कि मेरी गलती नहीं है, पहले तो मेरी गलती नहीं थी, और दूसरी ये कि अभी तुम लोगों को बताता हूँ क्या कुछ बना दिया मेरी कार का। यहाँ पे भी स्क्रैच लग गया, सारा का सारा पेंट उतर गया, और ब्रेक यार इसका बम्पर क्यों नहीं नजर आ रहा। चलो फिलहाल रिपेयर हो चुकी है हमारी कार, और अब हम लोग जो इसकी ब्रेक्स वगैरह फुल तकड़ी लगाते हैं। स्ट्रीट ब्रेक्स, इंजन ब्रेक्स, रेस ब्रेक, ओके स्ट्रीट ब्रेक लगाते हैं यार। ये बार बार डिक 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 छोटी छोटी जगह पे टिप 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 होती है, रेस ब्रेक नहीं लगाते। पर रेस अच्छी है, कभी स्पीड में होता है और स्पीड में भी रोकने के लिए, रेस ब्रेक दोनों चीज़ें बेस्ट हैं यार, स्ट्रीट के लिए और रेस के लिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे, दोनों ब्रेक्स बेहतर हैं, बट अभी रेस ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा, इंजन इंजन 16,750 म्यूजिकल स्टैंडर्ड, यस ये अच्छा है, गान फाड़ देगा जब पीछे जाके बोलेगा पॉम 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 पॉम, गांड फट जाएगी यार। लाइक हेडलाइट, ये प्लेट्स, ब्लैक प्लेट यार बेस्ट है। रिसप्रे, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी कलर में क्लासिक मेटालिक, भाई साहब ये वाला दिखने में नहीं, बकवास। ये वाइट वाइट रखते हैं, ब्लश सिल्वर, ब्लश सिल्वर मेटल्स, भाई साहब वैसे फजूल है। सेकेंडरी कलर क्लासिक मेटल वाइट के साथ वाइट डिस्क कलर, ये देखो ये नजर आ रही है तुम लोगों को, डिस्क का कलर वाइट वाइट, ये चेंज किया तुम लोगों के सामने मैंने अभी। और इसके बाद आता है सस्पेंशन, भाई साहब सस्पेंशंस कंपटीशन सस्पेंशन, पता नहीं क्या मकसद है इसका यार, तुम लोगों को पता हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता भाई।
भाई साहब फाइनली जो है हमारी कार की जो है मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है भाई। अब तुम लोग चेक करो। तो तुम्हारा भाई जो है ना बेशक जो भी है ड्रिफ्ट अच्छी लगा लेता है भाई। ओ भाई साहब फुल सर्कल लगा लिया 360। ये चेक करो तुम लोग। यस देखा किस तरह लेके आया हूं। बट अभी एक चीज रह गई है भाई, अभी एक चीज रह गई। आय हाय ये जो है ना ये वाला व्यू, ओए होए 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 यार आगे सनसेट जो आ रहा है ना, ये वाला शॉट बहुत ही मस्त किस्म का है भाई। यस अबे यार क्या हो गया बे, मैं कहीं और माइंड चला गया था मेरा सच में। इक्कीस के साथ जो है ना मस्त, क्या टूटी वूटी तो नहीं है भाई? स्क्रेच पड़ चुके हैं यार, दोबारा से जो है इसकी रीस्प्रे करवानी पड़ेगी या फिर रिपेयर करवाना पड़ेगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा अपन को। बट इतनी देर में सन भी जो है ना चला गया भाई, वो भी ज्यादा एटीट्यूड में चल रहा है। पता नहीं मुझे नहीं समझ आ रही क्या सीन है सन का भी। और ऊपर से रात होने वाली है, हम लोग इन्हीं बकचोदियों में पड़े होंगे अभी तक। रिपेयर व्हीकल ओके। और अब हमारी जो है लास्ट चीज रह चुकी है वो ये है इसका जो है नंबर प्लेट। घर जाने से पहले हम लोगों को इसकी नंबर प्लेट चेंज करनी होगी। तुम लोगों को तरीका नहीं आता, अगर तुम लोग देख सकते हो तुम लोगों को यहाँ पर। अभी छोड़ो यार, ये तुम लोगों को बाद में कभी बताऊंगा नंबर प्लेट किस तरह चेंज होती है, क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं VIP VIP 302 ए। ओ भाई साहब VIP 302 तुम्हारे भाई ने फुल कस्टमाइज नंबर प्लेट बना दिया, किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता भाई। सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। और अब जो है रात हो चुकी है, ऊपर से हम लोगों को जो है घर जाना होगा। फिर कभी हम लोग जो है इसकी रेसिंग वगैरह, बस अभी ये हमारे पास पड़ी रहेगी और हम लोग जो है ना टाइम के साथ साथ इसे ट्राई करते रहेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ मस्त कार लेके आने वाले भाई साहब। चलो अब ओ भाई साहब हौसला हौसला, ज़्यादा फ्री नहीं होना हम लोगों को। अबे यार लोकेशन लगाई नहीं सही। हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को सीधा सीधा आगे जाना होगा अभी फिलहाल। भाई साहब अब जो है मस्त हो चुकी, इसकी ब्रेक रेस सब कुछ परफेक्ट है यार। ओ बहन जो पीछे कुछ लड़ाई लग चुकी है यार, एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ना कुछ हुआ है, मुझे अभी आवाज आई है। नेक्स्ट आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो कि हम लोग कौन सी कार जो है, फिलहाल अभी इसका शौक तो पूरा हो जाए फिर नेक्स्ट मंगवाएंगे भाई। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा यार सच में से छोड़ने का, दिल कर रहा है ड्राइव करता रहूं। बट एपिसोड जो है हमारी ना ये वाली वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर। अबे मौत चुत गई मेरी कार की हैंड शॉट। अबे यार चलो घर के पास एक और जो है मैकेनिक शॉप है, वहां पे जो है हम लोग सेट कर देंगे। कुछ नहीं बकचोदी करते हैं यार लोग बहुत ज्यादा। मैं अच्छा वाला चला रहा हूँ, इन्हें क्या जरूरत है मेरे आगे आने की? जब इन्हें पता है आज मैं न्यू कार लेके आया हूँ अपनी, तो रोड इन्हें खाली कर देनी चाहिए ना। बात है कि नहीं है यार, इंसाफ करें कुछ। इन्हें पता है एक तो मेरी ड्राइविंग बहुत बुरी और इन्हें रोड भी जो है खाली करने चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए ना इन्हें। देखो यार इस तरह तो नहीं चलता ना निजाम, मेरे लिए कोऑपरेट तो करना चाहिए। अब देखो इन्हें पता है इतना तेज चला रहा हूँ मैं और इस तरह की बकचोदी ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो सही बोल रहा हूँ।
भाई साहब बहुत ज्यादा तकड़ी स्पीड लगाई है मैंने। अबे यार मैंने उस तरफ जाना था। यस ओ भाई आगे मत आना, आगे मत आना। इसकी हैंडलिंग बहुत फास्ट है यार, एकदम एक ने एक तरफ मुड़ जाती है ये। बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आज हमारा पूरा दिन इसकी डिलीवरी में लग गया। पकचोदियां भी तो थोड़ी सी नहीं करते हम लोग। अबे यार ये चढ़ाई वाला रास्ता जो मेरे घर को जाता है ना, बहुत बकचोदी है यार। मुझे कुछ न्यू घर लेना पड़ेगा शेर के अंदर। अबे ट्रेले तेरी मौत की कुछ, सॉरी गलती मेरी अपनी है, मेरी अपनी गलती है भाई, मेरी अपनी गलती। मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, आप बट अगर ये पीछे से आके मारता ना मेरी, सॉरी पीछे से आके टक्कर मारता यार, टक्कर मारता ना तो इसकी मैं गांड मार देता, यकीन मानो। भाई साहब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, अब मुझे सच में कुछ नहीं नजर आ रहा। ओ बे यार आगे से क्यों आ जाते हो अचानक से तुम लोग, सॉरी मैं ही गलत रास्ते पे जा रहा। देखा आप हरन मारेंगे तो उनकी गांड फटेगी, अभी देखो आवाज चेक करो तुम लोग, पूरा का पूरा शेर जागेगा इस हरन से। बट अच्छी बात नहीं लगती यार, लोग सोए हुए और मैं यहाँ पे हरन इतने ऊंचे ऊंचे बजा रहा हूँ। भाई साहब हम फाइनली जो है अपने घर पहुंच चुके हैं, और भाई साहब हमारी जो है डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, ये चेक करो तुम लोग। ओए होए होए मजा आ गया भाई, डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुल डिलीवरी। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग गैराज में। ओए होए ओए होए होए शश के चेक करो तो, अमीरों के शश के होते हैं भाई, ये गरीब लोगों के काम नहीं है ये। या डैडी ओ जाएंगे भाई साहब यहाँ पे हम लोग छे मस्त, अपनी कार डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की। और ऑलराइट अब हम लोग छे डोर क्लोज करते हैं और मस्त आराम करते हैं। आई होप ये वाली एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बकचोदियों के लिए सब्सक्राइब का बटन दिया होगा नीचे, सब्सक्राइब ठोक दो। तुम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नेक्स्ट तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो हम लोग इस तरह की चुसों वाली चावल, जो भी तुम लोग समझो यार, क्रेन समझो। अभी तुम्हारा भाई जो है ना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, खेलना सीख रहा है, सब कुछ सीख रहा है यार, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। और तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट हम लोग कौन सी कार जो है ना ट्राई करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और मैं भी आराम करता हूँ, तुम लोग भी चलो आराम करने, बाय।